ये वो कहानी है जब मैं यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। वहां गया था। Come join me on this virtual travel experience of most beautiful winter trek of India, Kedarkandha. It's nothing like I've ever experienced. और मैं पहली बार अपने नए कैमरा का खोल रहा हूँ लेंस। वो तो भाई साहब ऑटो फोकस हो गया है लाइफ में और मेरी ज़िंदगी से ब्लर गायब हो चुका है। ब्लर तब आएगा जब मैं चाहूँगा। चॉइसेस। एनीवेज़ व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ शक्ति एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलिंग मंडेज़। और आज मैं जा रहा हूँ केदारकंदा ट्रैक पर। जयपुर से हम सबसे पहले जा रहे हैं देहरादून। जयपुर से देहरादून की लगभग 10 घंटे की जर्नी है, तो काफ़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने मिलवाता हूँ दोस्तों से। ये है अर्पित, जिसका भी सारा फोकस दही पापड़ी पे है, लेकिन अर्पित इज़ हेयर ऑन द ट्रिप। वी हैव अमित, खाली खाली खाली, वी हैव अभिषेक। तो इनका इंट्रोडक्शन बाकी जो मैं देने वाला हूँ वो वॉइस ओवर में। चलो, तो मेरे साथ है इस ट्रिप पर मेरा दोस्त अमित। अमित मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लासमेट था और अभी अपना फैमिली बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। वैसे आप इसकी साधु या मॉन्क जैसी भोली शक्ल पर मत जाओ, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद ये वही मॉन्क है जो ऑर्डर चुका है। और ये है अर्पित शर्मा, और भाई भी मेरा कॉलेज टाइम से दोस्त है। मतलब वो दोस्त जिसकी गालियां सुन के भी दिल को सुकून मिलता है। वैसे भाई अभी थिएटर आर्टिस्ट है, इसलिए कैमरा देखते थोड़ा कैरेक्टर में आ जाता है। ओहो, स्वैग। और इसके बाद हमें फॉर्मे प्रोटेस्ट का जयपुर दिल्ली हाईवे पर रोड ब्लॉक मिला। हमने रास्ता रीराउट किया और गुड़गांव पहुंचे, और फिर गुड़गांव के आगे स्मूथ था, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। मीट अभिषेक। अभिषेक इज़ अ बैंकर। भाई के साथ अभी अभी चन्ना मेरिया वाला सीन हो गया है, तो भाई जवानी दीवानी की वाइफ के साथ पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। बहुत सही भाई। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद। और देहरादून कितना रह गया इधर से? देहरादून 200। ऑलराइट, सो वी शुड बी ऑन टाइम आई गेस बाय 6। हां, बिफोर 6 अगर फॉग नहीं मिला तो। फॉग मिला तो भी 6। अच्छा, गाड़ी तो चला नहीं रहा है और श्योरिटी तो दे रहा है। इसके बाद मैंने डिनर ऑर्डर किया और जब तक खाना आ रहा था थोड़ी एडिटिंग की। शक्ति ब्रो, यार तूने खाना भी नहीं खाया है तो एडिट, आई एम प्राउड ऑफ यू मैन। थैंक्स ब्रो, दैट्स व्हाट गाइस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। हम यहाँ खाना खा रहे हैं और ही इज स्टिल वर्किंग। जस्ट वॉच द कंप्लीट वीडियोस अगेन, वॉच द सीरीज, कंप्लीट सीरीज एंड ऑल। इसके बाद मैंने अभिषेक को ड्राइविंग से ब्रेक दिया और मैं आ गया ड्राइविंग सीट पर, क्योंकि अब तक सिर्फ गाड़ी चल रही थी। अब पूछो जरा। भाई लोग, हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून सेफ एंड साउंड। आई जस्ट ट्राई कि वीडियो अपलोड हो जाए ताकि मैं बाकी के 4-5 दिन एकदम मस्त चिल मारूं। तो ये सीन है। बाकी विशाल, एक्साइटेड फॉर द ट्रैक? हाउ आर यू अभिषेक, हाउ आर यू डूइंग? फाइन, यू से? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ट्रिप। और अगले 4 दिन काफी धमाल होने वाले हैं एकदम। और फिर मैं बस में जाकर अपने सब्सक्राइबर्स से मिला और उन्हें बताया कि मैं सीधे उन्हें साकरी में मिलूंगा। ऑलराइट गाइस, तो केदारकंठा जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है देहरादून, और देहरादून से आपको मिलती है एक बस, और बस से आप पहुंचते हो साकरी। तो हम बस से जाने वाले थे, लेकिन मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी ही करनी है, इसलिए वी आर गोइंग विद द टैक्सी। द डे विल बी फन, लेकिन ड्राइव करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए। कैब में आराम से जाएंगे और बीच में आपको नज़ारे भी दिखाएंगे। लेट्स गो। मुझे लगता है कि कोई भी हिंदी वाला सफ़र पूरा नहीं होता जब तक उसमें कोई इंग्लिश वाला सफ़र ना हो, मतलब ट्रिप पे भसड़ ना हो। जैसे कि फ्लाइट छूट जाना, कैफे में फ़ोन छोड़ाना, रूम की चाबी खो देना, और मोस्ट कॉमन किसी कपल का झगड़ा, मतलब कतई ब्रेकअप के हालात। और यहाँ भसड़ ये है कि मेरी वीडियो अपलोड होने में 4 घंटे दिखा रही है, और इसकी वजह से हम ऑलरेडी 5 घंटे लेट हैं, और अगले 6 दिनों तक मैं आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में रहूँगा। मतलब इन शॉर्ट, भसड़। खैर,
अभी चाय पीते हैं और नज़ारे देखते हैं। इसके बाद मैंने हम तीनों के मोबाइल हॉटस्पॉट से ट्राई कर लिया, लेकिन स्पीड बढ़ी नहीं रही थी, अपलोड हो ही नहीं रहा था। एंड व्हेन वी वर जस्ट अबाउट टू गिव अप, कहानी में एंट्री होती है हमारे एक ड्राइवर भैया की। उन्होंने पूछा हम क्यों रुके हुए हैं, हमने बोला वीडियो अपलोड नहीं हो रही, उन्होंने बोला मेरा हॉटस्पॉट ट्राई करो। मैंने कनेक्ट किया और हो गई हो गई पब्लिश। भाई वी डिड इट अमित, थैंक्स फॉर द पेशेंस। अब फाइनली ऑन द वे। अब भसड़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब वो सॉल्व हो जाती है तो वो हमेशा के लिए किस्सा बन जाती है और आगे का सीन चिल हो जाता है। उसके बाद आगे का सफ़र मैंने काफ़ी सुकून से उत्तराखंड में उत्तराकाशी के इन खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए निकाला। और इस ट्रिप पर मैंने थ्रिल हाइकर्स कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करके अपने सब्सक्राइबर्स को एक चांस दिया मेरे साथ ट्रैवल करने का, और लगभग 20 से 25 लोगों ने हमें ज्वाइन किया था, जिन्हें मैं सांकरी पहुंच कर मिला। शिवम, वरुण फ्रॉम इंदौर। वरुण इंदौर से आया है। ऋषभ फ्रॉम इंदौर। ऋषभ। हाय, आई एम चेतन। आई एम गीत फ्रॉम दिल्ली। अमेजिंग। माय नेम इज करण, शक्ति भाई के साथ आया हूं प्रॉपर। माय नेम इज अचलाराम, फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान, स्पेशली आपसे मिलने के लिए आया। अरे यार थैंक यू सो मच। ट्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, लेकिन बस मिलने के लिए आया हूं। अरे नहीं, ट्रैक भी करेंगे यार, ऐसी थोड़ी बात है। ऑलराइट गाइस, अभी 10:35 हो रहा है और मैं सांकरी विलेज में अपने होम स्टे में हूं। सांकरी में आके आपको बस अपना चिल करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करने वाले अपना ट्रैक। तो यही सीन है, कल होगा ट्रैक शुरू। एंड आई सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाहर का सीन मतलब काफी सही। ये आदमी 5 दिन बाद जहर मांगेगा। ऑलरेडी जहर है मेरे पास, मांगने की जरूरत नहीं मेरे पास। तो कुछ ऐसे ही पुराने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए और कुछ नए दोस्त बनाते हुए दिन की शुरुआत हुई। किसी भी जगह पे आके ना बेस्ट चीज होती है, अगर आप रात को अंधेरे पहुंचो, सुबह सुबह उठ के सरप्राइज, वो अलग ही सरप्राइज होती है। बस टोटली अमेजिंग। चीयर्स। व्हाट्स योर नेम? मोहित फ्रॉम जयपुर। हेलो, माय नेम इज ऋषभ एंड आई एम फ्रॉम देहरादून। नाइस यार। दीप फ्रॉम काठियावाड़। एंड बाबा You are beautiful. अरे अरे क्या बात। संजीव फ्रॉम मुंबई। सही। तो यार भाई लोग के साथ में तो ब्रू आर्मी के साथ में। ब्रू आर्मी। इसके बाद माउंटेन डॉगों को झप्पी मारी और हम निकल गए मार्केट से कुछ ट्रैकिंग गियर्स लेने के लिए। मार्केट ज्यादा दूर नहीं था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस। तो ये है मार्केट सांकरी का। एंड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप अपने इक्विपमेंट्स ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ रिक्वायर्ड ट्रैकिंग गियर्स फॉर केदारकंदा ट्रैक। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक विंटर जैकेट चाहिए जो बढ़िया भी दिखे और -10 से -15 झेल जाए। सेकंड नंबर है प्रॉपर ट्रैकिंग शूज। अगर आपके पास ये दोनों ऑलरेडी हैं तो ठीक है, वरना ऑलमोस्ट सब कुछ रेंट पे है अवेलेबल। शूज भी आपको लगभग 200 से 300 रुपए के ऊपर रेंट पे मिल जाएंगे। 2 pairs ऑफ थर्मल इनरवियर्स, एक वुलन सॉक्स का पेयर, एक नॉर्मल सॉक्स का पेयर, 2 ट्रैक पैंट्स, ट्रैकिंग स्टिक, टॉर्च, सनस्क्रीन, गेटर्स, माइक्रो स्पाइक्स और हाँ चश्मा जो बढ़िया दिखता हो, और ग्लव और वुलन कैप। अरे भैया ये देखो। हाँ ठीक है बिल्कुल, साथ साथ। तो वो इसको कहते हैं मुर्गा कैप, हम लोग उसका नया नाम नहीं, हमसे ड्रैगन कैप बोलेंगे, थोड़ा भाई बात है यार। हम सब लोगों ने काफ़ी सारा सामान ले लिया है, है ना, काफ़ी सारा सामान ले लिया है और आई थिंक ये सब कुछ हमारे लिए काफ़ी रहेगा। आप लोगों के लिए एक टिप है, अगर आप एक रेगुलर ट्रैकर हो, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करते हो तो आप डिकेथलॉन से लो, लेकिन अगर आप बहुत ओकेजनली ट्रैक पे जाते हो तो आप रेंट करो। एक बंदा 2000 में इक्विप्ड हो सकता है। दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर फर्स्ट एपिसोड ऑफ केदारकंदा सीरीज। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। और अगर अभी आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तो अभी मैं हूँ मनाली की एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी जिसका कि नाम है आशापुरी विलेज रिजॉर्ट। मैं उस पर रुका हुआ हूँ, आई एम ऑन ए वोकेशन ट्रिप इन मनाली, और मेरी प्रॉपर्टी से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ की बालकनी बहुत सुंदर है और देयर इज दिस ब्यूटीफुल सोलंग वैली इन फ्रंट ऑफ मी विच लुक्स मैजेस्टिक एंड आई एम लविंग स्टेइंग हियर एंड वर्किंग फ्रॉम हियर। इसका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक कॉल्ड ऑडियो फॉर द वीडियोज़। तो आप में से बहुत लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मुझे DM करते हैं कि आप लोग भी अपने लिए YouTube वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आप जैसे जैसे करके वीडियोस तो बना लेते हो, बट द ऑडियो पार्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट टू मेक वीडियोस।
एंड लेट मी टेल यू, जितना वीडियो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो के लिए, उतना ही ऑडियो भी इंपॉर्टेंट होता है. सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू मेक योर ओन वीडियोज विद क्वालिटी ऑडियो, देन आई सजेस्ट यू गाइज टू चेक आउट दिस JBL commercial by Harman and its model name is CSLM20B. It's a battery operated mic aur ye bahut sasta bhi hai. It cost around 999. It's available on JBL commercial Amazon store. In this box you get 1x4 adapter, one extra windshield, one holding pin and definitely the mic with 3.5mm jack, which makes it compatible with most of phones, tablets, laptop and DSLRs. It has this omnidirectional 360 degree audio pickup pattern. तो ये बहुत सही, आप आराम से अपनी पॉडकास्ट, अपने व्लॉग्स, अपना ट्रैवल और मे बी शायरी इफ़ यू लाइक दैट और पोएम्स, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड, यू कैन डेफिनेटली रिकॉर्ड विद दिस. और इसका जो ऑल्टरनेट एक मॉडल है वो भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, उसका नाम है CSLM20 एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन JBL कमर्शियल ब्रांड स्टोर ऑन Amazon. सो या इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सॉर्ट आउट योर ऑडियो फॉर वीडियोज ऑन बजट, देन डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज JBL कमर्शियल बाय Harman. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. और यार मैं कह रहा था कि आपको याद होगा इनसे मेरा YouTube चैनल हैक हो गया था और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग के बीच में थोड़ा डिफरेंस आए, इसलिए आप मुझे Instagram पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं रेगुलर स्टोरीज डालता हूँ, अपडेट डालता हूँ कि कब नया व्लॉग आ रहा है. और वहाँ पे हम 30,000 तक पहुँच चुके हैं, अगर आप 20,000 लोग जाओगे तो हम 50,000 हो जाएंगे, हमारे भाई का स्वैग बढ़ जाएगा. तो अगर आप चाहते हो तो गो एंड फॉलो मी ऑन Instagram एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई वाइब. आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन कीप चिलिंग, कीप एंजॉयिंग एंड डू नॉट फॉरगेट Baba, you're beautiful. Wait, shut up, wait. What are you doing? Oh, yaar. Yaar. Yaar, inner ke andar kaun dalta hai, yaar? Dost. Dost. Sare dost mat hote hain. Hote hain, samajh jao. Samajh jao, yaar. Ishad.